उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट की एक बैठक रविवार को बिछिया स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने की। बैठक में मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदानित करने, शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष सतप्रकाश सिंह, जिला मंत्री सतपाल सिंह, प्रदेश मंत्री जग तारण राम, जय प्रकाश नायक सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो संघ के सदस्य 9 अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के निकट धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रावण और न्याय यह दुर्गा जी जानती हैं, फिर भी उसी की बात कर रहे हैं। राम को चिंता कि अन्याय इधर है, सत्य के बोले लगे तो चावल ने उनको समझाया, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर रावण ने आराधना कर रहा थी, जो जुनून बनाइए वही जरूरी है, बिना उसके कुछ होना नहीं। लागू करें, इसके लिए हम आंदोलन करें। दूसरा मंदिर उन्होंने नया मुद्दा दिया है कि बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी जाए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और तीसरा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की है, ऐसे का सत्ता आज और वही तय करेंगे। सरकार हमारी बातों को मानती है कि आगे मंदिर इन्हीं मुद्दों को लेकर के आवाज रखेंगे। हमने हमारा जो प्रांतीय सम्मेलन शिविर हुआ था माउंट आबू में, उसमें हमने कुछ मुद्दे तय किए हैं और संघर्ष के कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें पहला मुद्दा है कि समग्र शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्र में लागू हो रहा वैसे इस प्रदेश में लागू किया जाए और वित्तहीन विद्यालयों को भी सरकारी स्कूलों की तरह से मान्यता दी जाए, सरकारी स्कूलों को माना जाए। दूसरा है पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। तीसरा है इस देश में, इस प्रदेश में जितने भी बेरोजगार हैं, जितने पढ़ रहे हैं, उनको सबको रोजगार की गारंटी दी जाए। आगे है कि जो भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी हैं या जो शिक्षा माफिया हैं उनको जेल भेजने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद इसके कार्यक्रम जो हमने बनाए हैं, 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक दिवस है, हम 9 अगस्त को हर ज़िले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देंगे। उसके बाद 28 सितंबर को हम 4 क्षेत्रों से, गोरखपुर से, मेरठ से, आगरा से और इलाहाबाद से, एक सत्याग्रह मार्च करते हुए अध्यापक आएंगे, हर ज़िले से जुड़ते हुए हर ज़िले में मीटिंग करेंगे। 25 को चलेंगे लोग, 28 को पहुंचेंगे लखनऊ और वहां एक विशाल जनसभा करेंगे और अपने मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करेंगे। केंद्र, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो केंद्र में ही है, केंद्र के कर्मचारियों को भी लागू नहीं है, वो भी लड़ रहे हैं, पूरे देश के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको लागू किया वही लोग आज सरकार में पुनः हैं। तो लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई कठिन है, लड़ना हमारा काम, हम लड़ रहे हैं।